हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। फ्रेंड, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चन, जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। तो इसमें अवरोही क्रम बताना है। तो इसका जो अवरोही क्रम है वो क्या है? 1, 2, 4 और 3। 2011 की बात करें, 2001 की जनगणना अनुसार, जनगणना के अनुसार इनका जो आरोही क्रम था अनुसार इनका जो सॉरी अवरोही क्रम था वो बंगाली, बंगाली, तेलुगु, बंगाली, तेलुगु और मराठी, ये इनका अवरोही क्रम है। और तमिल, इसके आगे तमिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ये यूपी पीसीएस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50, 45, 40 या 35। अब 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी भारतीयों का जो प्रतिशत था वो लगभग कितना था? 41.03% था 2001 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो प्रतिशत था ये 43.63% है। तो इसमें 43.63% नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका जो है 43.63% होगा। इसमें ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई, कुई, पेंगो, परजी, मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ब्राहुई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेय भाषा या भाषाएं घोषित किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो कन्नड़ और तेलुगु है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी बात करें तो अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसको याद रखिएगा, अब तक भारत सरकार ने कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें तमिल को वर्ष 2004 में और संस्कृत को वर्ष 2005 में, इस चीज को आप याद रखिएगा, और तेलुगु और कन्नड़ का 2008 में, और मलयालम की बात करें तो मलयालम का 2013 में तथा उड़िया को 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया था। इस चीज को याद रखिए, अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, और तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में
यह दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये भी आईएएस 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? 343, 345, 344, 346। ये आरएएस आरटीएस 2013 में क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब अनुच्छेद 344 की बात करें, अनुच्छेद 344 की बात करें तो इसमें राजभाषा संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 344 की बात करें तो इसमें राजभाषा संबंध में आयोग आयोग तथा संसद की समिति के गठन के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 346 की बात करें तो अनुच्छेद 346 में क्या है? इसमें दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध है। दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध है। और अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 में क्या है? संघ की राजभाषा में संबंध के बारे में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसमें पूछा गया कि इस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। ये आरएएस आरटीएस 2013 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो ये क्वेश्चन 2018 और 2005 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे 2/3 बहुमत द्वारा आंसर लगाएंगे, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बच्चे दो ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल में सर्च किया है तो इसमें लिखा है, संसद अपने सदस्य के एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा में प्रावधान को संशोधित कर सकती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और कमेंट में कहने लगते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2004, 2008 और 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 18, 17, 20। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस आंसर को आप रट लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। और 92 संविधान संशोधन की बात करें, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या थी वो 18 थी। वो संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद जो है वो संख्या कितनी हो गई? वो 22 हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 18, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट। 18 ये 2003 से पहले थी और 2003 के बाद ये संख्या 18 से बढ़ के 22 हो गई है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राज्य की भाषाओं की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा, यूपी पीसीएस 2010 में ये पूछा गया है, 22, 18, 20 या 17। अभी हमने बताया था कि 2003 से पहले 92 संविधान संशोधन, 2003 से पहले इनकी जो संख्या थी वो 18 थी, फिर 2003 के बाद से इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने या उत्तराखंड ने। तो ये 2011 में क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड की बात करें तो जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इस चीज को आप याद रखिएगा, जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। किस राज्य ने प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है, बंगाली, मराठी, गुजराती या तेलुगु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सबसे ज्यादा है। अब 22 भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, 22 भाषा में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी दूसरे क्रम पर बंगाली, इस चीज को आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है, फिर दूसरे क्रम पर बंगाली और तीसरे क्रम पर मराठी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, 22 भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, पहला हिंदी पे है, दूसरे नंबर पर बंगाली है, तीसरे नंबर पर मराठी है। तो यहाँ पे हिंदी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हिंदी पे नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आता है बंगाली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2001, 2003 और 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 349, 350 का, 350 या 351। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 350 खा की बात करें, अनुच्छेद 350 खा की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार है। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 350 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब हुआ। 350 के एम
के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 355 में बी जी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम सी छागल की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य भाषा आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, वो 355 में बी जी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इसे इसको आप याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुर, सिंधी या सांतली। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सांतली, 2003 में सांतली को जोड़ा गया था। इससे पहले 1952 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली कोंकणी तथा मणिपुरी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसको आप याद रखिएगा, इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुर को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है, राज्य भाषी अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस चीज को याद रखिएगा, इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया था, अब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब इसकी जरा बात करें तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राज्य संघ की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 के अनुसार जो हिंदी है वो भारत संघ की जो है वो राजभाषा है ना कि
राष्ट्रभाषा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए बोडो संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट। कई बच्चे कहेंगे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो ये चीज गलत है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से ये क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, कोंकणी, नेपाली, भोजपुरी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले भी क्वेश्चन में हमने बताया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में जो है वो उर्दू, कोंकणी और नेपाली ये भाषा है, लेकिन भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। अब 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन द्वारा शॉर्ट में यहाँ पे हम लिख रहे हैं 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली कोंकणी तथा मणिपुर को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, अभी हमने ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी तक जो कुल भाषा है वो 22 है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकण और मणिपुर को तथा 1967 में संविधान 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संस्कृत, पंजाबी, सिंधी या कोंकणी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा जो सिंधी और कोंकणी है ये दोनों भाषाओं को जोड़ी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी और डी सही होगा। यहाँ पे कोई एक आंसर नहीं होगा। तो अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी और कोंकणी को जोड़ा गया है। अब सिंधी और कोंकणी की बात करें तो अभी हमने बताया था कि 21वें संविधान संशोधन 1967 यानी कि 1967 में सिंधी को अभी हमने इस क्वेश्चन को के बारे में ऊपर बताया था राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में कोंकणी मणिपुरी नेपाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और 71वें संविधान संशोधन का जो सन है वो भी याद रखिएगा, वो 1952 है। ये भी एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है कि 71वें संविधान संशोधन कब किया गया था, 21वें संविधान संशोधन कब किया था और 92वें संविधान संशोधन कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये 1990 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को UPPCS 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी या डोगरी। ये 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो जो है गुजराती, कश्मीरी और डोगरी ये सम्मिलित है, लेकिन राजस्थानी भाषा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा।
ये 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन बताया, बहुत ही इजी है। सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी या कोंकणी कश्मीरी, नेपाली, नेपाली कोंकणी, असमिया या नेपाली कोंकणी मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद हो ही गया होगा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 31वें संविधान संशोधन का सन कितना है? ये 1992 है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। ये 2018 में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो हिंदी तो शामिल है, उर्दू, संस्कृत ये भाषा शामिल है, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।